परासिया में बढ़ती बेरोजगारी और लोगों के पलायन को रोकने के लिए एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड खोलने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए लगभग 118 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। अबतरा ग्राम पंचायत के डोमरी गांव में लगभग 118 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। बताया जा रहा है कि लगातार इस कोयला अंचल में बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोगों का पलायन होने लगा है। इसी पलायन को रोकने के लिए उद्योग खोलने हेतु विधायक सोहन वाल्मीकि ने एक प्रयास किया और एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए शासकीय जमीन को कलेक्टर के आदेश पर चिन्हित करवाया, जिससे इस कोयला अंचल में रोजगार मिल सकेगा और कोयला अंचल में उद्योग खोलने से पलायन को रोका जा सकेगा। क्योंकि कोयला खदानें धीरे धीरे बंद होती चली जा रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, व्यवसाय खत्म हो रहा है। आज सबसे बड़ी बात हमारे विधानसभा क्षेत्र में यही है कि बरासी विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा उद्योग स्थापित हो जिससे हजारों की संख्या में जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो। उसी संबंध में मैंने लगातार प्रयास किया और चूँकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ग्राम डोमरी में लगभग 47 हेक्टर भूमि अविकसित पड़ी हुई है और 118 एकड़ करीब भूमि आ रही है वो, तो हम लोग ने उसको उस भूमि को चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद में लगातार मैं प्रयास करते रहा और प्रयास करने के बाद में आज हमें सफलता प्राप्त हुई है। एक सफलता ये प्राप्त हुई है कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो ग्राम डोमरी ग्राम पंचायत डोमरी का गाँव है पंचायत का, वहाँ पर लगभग 118 एकड़ भूमि, अच्छी भूमि जहाँ इंडस्ट्री लग सकती है, वो खाली पड़ी हुई है। तो हम लोगों ने उसको चिन्हित किया था और इस बात को मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे प्रयास से आज वो भूमि माने कलेक्टर के माध्यम से एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।